सबसे पहले वाणी की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान। कैसे हो प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखना और उसके लिए प्रयास करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है साथियों। आज मैं कुछ बिंदु बताऊंगी आपको कि केवल इच्छा रखने वाले कौन से बिंदु पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और प्रयास करने वाले कौन से बिंदु पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप खुद तय करना कि आप केवल इच्छा कर रहे हैं या प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, किसी भी चीज़ की इच्छा करना ये हमारा पहला स्टेप होता है। यानी किसी भी लक्ष्य के लिए हम चलते हैं, कोई मंजिल कि हम सोचते हैं पहुंचने की, तो सबसे पहले हम उसकी इच्छा करते हैं, हम उसको चाहते हैं। तो चाहना किसी लक्ष्य को पहला स्टेप होता है उसका। लेकिन साथियों, बहुत सारे साथी जो हैं वो इसी पहले स्टेप पर ही रुक जाते हैं, बस सिर्फ इच्छा रख करके ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। जैसे कि बात करूँ, आप कई दिनों से रीट की तैयारी कर रहे हों और अब वैकेंसी आ जाए फर्स्ट ग्रेड की, तो आप किसी का मोटिवेशन वीडियो सुन लिए दो चार और किसी फर्स्ट ग्रेड लगे हुए कि आपने इंटरव्यू देख लिए और आप तुरंत फर्स्ट ग्रेड की ओर रुक कर लिया आपने, जबकि आप तैयारी कर रहे थे पिछले 5-6 महीने से रीट की। तो साथियों, उसमें अंतर होता है। आप अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे रीट का छोड़कर, दोनों के पाठ्यक्रम में बहुत अंतर होता है। तो आप किसी सबसे कहने का मतलब ये है साथियों, सबसे पहले आप जिसकी भी तैयारी करो, आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको फर्स्ट ग्रेड करनी है, सेकंड ग्रेड करनी है या थर्ड ग्रेड करनी है। पहले तो आपका तय होगा, तभी आप उसकी तैयारी कर पाओगे। उसके बाद साथियों, आप जैसे आपको बार बार अपनी राय बदलते नहीं रहना है, आपको अपने जो आपने एक ठान लिया है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है या थर्ड ग्रेड बनना है, उस पर ही आपको माइंड फोकस रखना है। बाकी आप किसी का फॉर्म लगा सकते हो बीच में आए तो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने से अनुभव ही होगा, लेकिन आपको सिर्फ टारगेट अपना एक ही रखना है और उसी पर काम करना है साथियों। अब जैसे मैं बात करूँ, आप जोश जोश में आकर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाती है, तो जोश में आकर आप सोच तो लेते हो कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लूँगा, लेकिन फिर नए पाठ्यक्रम से जुड़ना। आप किसी भी लक्ष्य को लेकर चलो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो साथियों, कम से कम 10 से 12 महीने आप मानकर चलो। पहले अपने आप को 10 से 12 महीने के लिए मानसिक रूप से तैयार करो कि मैं इसको 10-12 महीने दे सकता हूँ इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। उसके बाद ही साथियों आप आगे बढ़ पाएंगे। पहले अपने मन को ये समझाना कि मुझे 10 से 12 महीने, लगभग 12 महीने के मान लो आप साथियों लगेंगे इस एग्ज़ाम की तैयारी करने, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो थर्ड ग्रेड हो। और आपको साथियों, जैसे कि बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आजकल चलते रहते हैं यूट्यूब पर, और आप मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी इतने अच्छे अच्छे हैं आजकल यूट्यूब पर कि एक बार तो ऐसा लगता है कि कोई मृत व्यक्ति पड़ा है तो वो भी उनका मोटिवेशन सुनकर और खड़ा होकर किताब उठा लेगा, ऐसा मोटिवेशन देते हैं साथियों। उस मोटिवेशन को सुनकर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप तैयारी करते हो और फिर आप उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हो, आप नहीं निरंतरता रख पाते हो साथियों। तो वो बाहरी मोटिवेशन 1 दिन 2 दिन काम करेगा, 7-8 दिन कर सकते हो आप। आपने 7-8 दिन के लिए 10-12 घंटे का टाइम टेबल बना लिया कि मैं पढ़ूंगा, 2-4 दिन तो जोश जोश में पढ़े और उसके बाद फिर वही बीच में गैप कर दिया साथियों, आप नहीं पढ़ पाए। तो ऐसे तैयारी नहीं होती है साथियों, बाहरी मोटिवेशन कुछ समय के लिए ही काम करता है। हाँ, मोटिवेशन काम करता है, मैं मानती हूँ बहुत अच्छा करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन बाहरी मोटिवेशन आपको 2-4 दिन फॉलो कर लिया आपने मोटिवेशन सुनकर और फिर आप उसी डरे पर आ गए, फिर आप यूट्यूब पर कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हो, उसको देखकर आप दोबारा तैयारी करते हो। तो साथियों, बार बार की खुराक लेने से अच्छा है आप अपने अंदर अंदरूनी मोटिवेशन जो है वो जगाओ, आप अपने अंदर ये मन में ये बैठाओ कि हाँ, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे हर हाल में 1 सीट चाहिए ही चाहिए इस बार। अब साथियों, मैं आपको बताऊंगी किसी भी लक्ष्य की इच्छा रखने वाला क्या करता है और वास्तव में तैयारी कर उस इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयास करने वाला क्या करता है। साथियों, केवल इच्छा रखने वाला सबसे पहले तो उसका ये क्वेश्चन होता है, तैयारी करनी शुरू की होगी उसने, अभी की भी नहीं होगी, उससे पहले उसका ये क्वेश्चन रहता है कि वैकेंसी कब आएगी। उसके बाद वैकेंसी आ जाती है, वैकेंसी की बात होती है, फिर कितनी आएगी यानी कितनी सीटें रिक्त हैं, कितनी वैकेंसी आएगी। उसके बाद उसको ये रहता है एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम हो जाता है तो उसको ये रहता है कि कब आएगी, एंश्योर की आ गई तो अब डबल का परिणाम, फिर फाइनल का परिणाम, वैसे ही देखता रहता है। फाइनल का परिणाम के बाद वो दोबारा फिर से वैकेंसी का इंतज़ार करने लगता है, अगली वैकेंसी का इंतज़ार हो जाता है, उसको पूछने लगता है कि अगली वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि साथियों ऐसे बार बार ऐसे क्वेश्चन करने वालों का चयन नहीं होता है।
तो ये है सर, एक किसी भी कोचिंग का सुन लिया जैसे कि ये कोचिंग बहुत अच्छी है और उसमें गए। शुरू में तो जाते ही पूछा कि हाँ कैसी वीकली टेस्ट होते हैं, कैसी क्या तैयारी होती है, किसी से सुन लिया बहुत अच्छी कोचिंग है। फिर चले भी गए, दो चार दिन तो गए रूटीन से, उनसे पूछताछ भी की क्या वीकली टेस्ट होते हैं, आप ऐसा क्या पढ़ाते हो। फिर आप संतुष्ट हो गए कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, वीकली टेस्ट भी होते हैं। फिर साथियों चार पाँच दिन ही वो रूटीन से कोचिंग जा पाता है और उसके बाद फिर जिस दिन बड़ी बड़ी संस्थाएं जो वास्तव में अच्छी संस्थाएं हैं वो वास्तव में जो कहती हैं वो करती भी हैं, वीकली टेस्ट भी लेते हैं वो, तो उस टेस्ट के दिन वो अभ्यर्थी तक नहीं पहुँचता है। उसे अगले दिन जाकर वो मैनेजमेंट से कहता है कि जो कल टेस्ट हुआ था वो मुझे दे दो, और फिर लाकर अपने टेबल पर रख देता है उस टेस्ट को। उसे नहीं पता उस टेस्ट में क्या पूछा गया था, पीछे पढ़ाया था, उसमें से आया था, कहाँ से आया था, लाकर रख देगा। बस उसने मान लिया कि हाँ मैंने टेस्ट दे दिया। ये होता है साथियों सिर्फ इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी की पहचान। किसी से कोई किताब सुन ली कि ये किताब अच्छी आती है, उसके बाद उस किताब को ले आया, भारी किताब थी, एक दिन दो दिन पढ़ा उसको, बीच बीच में छोड़ छोड़ कर पढ़ लिया, क्योंकि ध्यान धैर्य उसको पूरा पढ़ने के लिए, धैर्यपूर्वक पढ़ने के लिए तो साथियों धैर्य की ज़रूरत होती है, वो आजकल के विद्यार्थियों में बहुत कम है। तो वो किताब को पढ़ के और मन में संतुष्टि कर ली कि मैंने हाँ इस किताब को पढ़ लिया। उसके बाद फिर किसी का इंटरव्यू सुन लिया, किसी ने बता दिया कि ये बुक अच्छी आती है, इस बुक से क्वेश्चन आते हैं, फिर वो किताब उठा कर ले आया। फिर उसमें से ऐसे ही साथियों पूरी तो उसने पढ़ी नहीं, ऐसे बीच बीच में से कुछ कुछ पढ़ लिया और फिर मान लिया कि ये किताब मैंने पूरी पढ़ ली। ऐसे करते करते साथियों एग्जाम तक उसके पास सामग्री का तो लग जाता है ढेर, और उसे नहीं पता कि उसने कुछ किताबें तो उसमें से एक बार भी नहीं पढ़ी। जबकि अगर वही एक किताब को 5 से 7 बार आँखों से निकाल लेता, पढ़ लेता, तो भी उसका एग्जाम क्लियर हो सकता था। तो ऐसे सामग्री ला ला कर इकट्ठी करने से और सिर्फ पूछने भर से साथियों चयन नहीं होता है, अंतिम चयन सूची में नाम उसी का आता है। अब मैं आपको बताऊंगी जो वास्तव में प्रयास करते हैं वो विद्यार्थी क्या करते हैं। जैसे साथियों प्रयास करने वाला निरंतर पढ़ेगा, लगातार अपने क्रम को टूटने नहीं देगा, वो ये नहीं है कि किसी मोटिवेशन की खुराक लेकर 2-4 दिन तो पढ़ लिया फिर निरंतरता टूट गई, नहीं साथियों, वो निरंतर पढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि वो पूछेगा नहीं वैकेंसी कब आएगी, तो जिज्ञासा वैसे साथियों तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मन में तो रहेगा वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, एग्जाम कब तक होगा, ये सब अभी क्वेश्चन है साथियों। लेकिन वो बार बार इन्हीं क्वेश्चन को लेकर बैठा नहीं रहेगा, वो निरंतर साथ साथ अपनी तैयारी भी करता रहेगा, बुक्स को पढ़ेगा, 1 या 2 बुक्स लाएगा, लेकिन उसको पूरा पढ़ेगा साथियों, गहनता से पढ़ेगा। अगर किसी का टेस्ट पेपर ले देगा साथियों, किसी कोचिंग में ज्वाइन करता है तो पूरा टेस्ट पेपर देगा, जिस हिसाब से जिसका टेस्ट उस हिसाब से वो तैयारी करके भी जाएगा, उसको देगा भी, और फिर उस अपने स्थिति भी देखेगा वो कितना क्या स्थिति रही है उसकी, कौन सी रैंक आई है, कहाँ कमी रह गई है, वो हर चीज़ का बड़ी बारीकी से साथियों मूल्यांकन करता है खुद का तैयारी करने वाला विद्यार्थी। उसके बाद साथियों वो कोई भी वीडियो सुनता है, यूट्यूब पर देख लो आप, चाहे ऐप में आपने कोर्स ले रखा है तो कोई भी वीडियो सुनता है तो वो पूरा सुनता है अपनी सामग्री का, शुरू से लेकर अंत तक पूरी धैर्य के साथ पूरा एकाग्र होकर उस वीडियो को सुनता है। जबकि तैयारी नहीं करने वाला विद्यार्थी 1 घंटे का वीडियो हो तो उसको 5 से 7-10 मिनट भी औसत नहीं लेगा, वो उस वीडियो को स्किप कर करके आगे कर करके उसको पूरा कर देगा और फिर ये मान लेगा कि हाँ मैंने ये वीडियो देख ली। तो साथियों कोई भी वीडियो देखो आप, कोई भी बुक्स पढ़ो, उसको पूरा पढ़ो, उस वीडियो को अच्छे से पूरा सुनो, उसके बाद उस वीडियो के अलावा आपके पास किताब है उसी टॉपिक से तो उस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ो उसमें। ये होती है साथियों तैयारी करने वाले की पहचान। सिर्फ दिखावा करना कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, किसी से सुन लिया जोश जोश में कि कोई लगा है, जैसे बता देते हैं बच्चे, मैं भी बताती हूँ आपको घर के काम के साथ मैंने ऐसे तैयारी की थी, या फिर कई और भी दोस्त बहुत सारे साथी हैं जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में तैयारी करते हैं, वो बताते हैं तो उनका जोश जोश में सुन तो लिया साथियों और सुन के लगता कि हाँ मैं भी कर लूँगा। 1 दिन 2 दिन किया फिर किताब लेके बैठा तो 1 घंटा भी बैठने की हिम्मत नहीं है किताब के ऊपर, यानी अपने आप को 1 घंटा भी सिटिंग बैठा कर किताब के लिए नहीं रख सकता खुद को, तो कैसे तैयारी कर सकता है साथियों। कम से कम एक साथ बैठकर पढ़ने के लिए 2-2.5 घंटे तो आप एक जगह बैठकर पढ़ें नियमित रूप से, फिर उसके बाद आप बीच में खड़े होकर 5 से 7 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, इधर उधर एक बार घूम लिए, लगातार तो नहीं पढ़ा जाता लेकिन कम से कम 2-2.5-3 घंटे की तो आपके साथ आपकी एक साथ बैठने की क्षमता होनी ही चाहिए। तो साथियों सिर्फ जो किसी चीज़ को किसी को देखकर और उस जैसे सब लग रहे हैं इतनों का चयन हुआ, ये सब सुनकर किसी चीज़ को चाहना, किसी की इच्छा रखना और किसी उस चीज़ के लिए प्रयास करने में बहुत अंतर है साथियों। ऐसे अगर इतना ही आसान होता तो फिर साथियों सभी लोग तैयारी कर लेते, फिर तो मेरिट 100 की 100 जाती, मेरिट 60 से 70 के बीच क्यों रह जाती है, क्योंकि साथियों किसी चीज़ की चाहना करना और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करने में यही अंतर है।
तभी मेरिट इतनी रहती है साथियों। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर कोई ठान ले तो इतना मुश्किल भी नहीं है साथियों। सबकी सब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है साथियों, कि आपकी इच्छा शक्ति उस चीज़ को पाने के पीछे कितनी है। सिर्फ आपने सोचा ही है, या आप उस सोच को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंक भी सकते हैं, अपने आप अपने सुख सुविधाओं का त्याग भी कर सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है साथियों। साथियों दृढ़ धैर्य के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आपकी निरंतरता बहुत ही आवश्यक है किसी भी तैयारी के लिए। कोई ये तो आपको पता है साथियों, कोई भी व्यक्ति देख लो आप, जो जो महान व्यक्ति हुए हैं, किसी की भी जीवनी पढ़ लो, किसी का भी आप इंटरव्यू देख लो साथियों, आपको सिर्फ सफलता दिखाई देती है, लेकिन साथियों उसके पीछे की जो उसकी मेहनत होती है, जो उसकी रातों की नींद दिन का चैन गंवाया होता है, वो किसी को नहीं दिखता। क्योंकि साथियों दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, मेहनत नहीं देखती है। तो साथियों कोई भी व्यक्ति बिना प्रयास के महान नहीं बनता है, इस बात को आप याद रखना, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो आप प्रयास करोगे तभी साथियों आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। जोश में आकर किसी का मोटिवेशन सुनकर सिर्फ तैयारी नहीं होती है साथियों, इसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। दिन में 5-5-6-6 घंटे लगातार बैठकर एक जगह मन को स्थिर रखकर पढ़ना होगा साथियों। सोशल मीडिया से या फिर फालतू के लोगों से, नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी साथियों। तो आज का मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था साथियों, कि आप अपने आप का मूल्यांकन करें कि कहीं आप सिर्फ चाह तो नहीं रहे हैं, किसी चीज़ की इच्छा तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप वास्तव में प्रयास कर रहे हैं। साथियों ज़रूरी नहीं है अभी आप 8-10 घंटे पढ़ पा रहे हो, लेकिन अगर आप ईमानदारी के 3-4 घंटे 5 घंटे भी दे रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हैं साथियों। लेकिन ईमानदारी की होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप 10-12 घंटे किताब लिए बैठे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपने आज क्या पढ़ा है और कितना क्या आपको याद हुआ है। तो साथियों पढ़ने के साथ साथ अपना मूल्यांकन जरूर करते रहें, तभी आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ किसी चीज़ को चाहे नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करें और आखिरी स्तर तक प्रयास करें साथियों, जहाँ तक आपकी क्षमता है, अपना 100% दें साथियों, यही कहूँगी। तो ये वीडियो आप सबके लिए था। अब आप देखना कि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा ही कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।